नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ममता बनर्जी के बंगाल में चुनाव प्रचार करने पर 24 घंटे के लिए लगाई गई रोक। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाते हुए ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 24 घंटे तक प्रचार करने पर रोक लगा दी है। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर पश्चिम बंगाल के सीएम और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर मुस्लिम वोटों और कथित तौर पर लोगों को केंद्रीय सुरक्षा बलों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाने संबंधित कमेंट करने का आरोप है। उन्हें चुनाव आयोग की ओर से पिछले सप्ताह 2 नोटिस भी जारी किए गए थे। चुनाव आयोग के 24 घंटे के बैन के फैसले को ममता बनर्जी ने अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बताते हुए इसके खिलाफ मंगलवार को कोलकाता में धरना देने का ऐलान किया है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बंगाल में बीजेपी की खास रणनीति, 40 सीटों पर करेगी 2000 नुक्कड़ सभाएं। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के अगले 4 चरण के लिए बीजेपी ने विशेष रणनीति तैयार की है। ग्रेटर कोलकाता इलाके के आसपास की करीब 40 सीटों को केंद्रित कर ये रणनीति तैयार की गई है। इस दौरान इन सीटों पर 2000 के करीब छोटी सभाएं की जाएंगी, जिसमें इन इलाके में रहने वाले सभी लोगों से व्यक्तिगत संपर्क किया जा सके। अमित शाह आज शाम 7 बजे और 8:15 बजे दमदम और बड़ा नगर विधानसभा में ऐसी ही एक नुक्कड़ सभा कर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। बीजेपी ने टीएमसी प्रभाव वाले इन इलाकों को ध्यान में रखते हुए ये विशेष रणनीति तैयार की है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल बीजेपी की ओर से 40 सीटों पर 2000 से ज्यादा नुक्कड़ सभाएं की जाएंगी। इन सभाओं में पार्टी के केंद्रीय नेताओं के अलावा राज्य स्तर के नेता और स्टार प्रचारक भी शामिल होंगे। इन नुक्कड़ सभाओं के जरिए बीजेपी लोगों के घरों तक जाकर पार्टी के विजन और सोनार बांग्ला की अपनी संकल्पना के बारे में लोगों को बताएगी। लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर नुक्कड़ सभाओं का आयोजन शाम के समय ही किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चुनाव आयोग के खिलाफ धरने पर बैठेगी ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की तरफ से प्रचार पर 24 घंटे की रोक का तीखा विरोध किया है। ममता बनर्जी ने बैन लगने के बाद कहा है कि वो मंगलवार को दोपहर 12 बजे से धरने पर बैठेंगी। आपको बता दें कि मुस्लिमों से एकजुट होकर तृणमूल कांग्रेस के लिए वोट डालने की अपील करना सीएम ममता बनर्जी को भारी पड़ गया है। इलेक्शन कमीशन ने उनके चुनाव प्रचार पर 24 घंटे का बैन लगा दिया है। यह बैन सोमवार शाम 8 बजे से मंगलवार 8 बजे तक लागू रहेगा। इसके बाद ममता बनर्जी ने ट्विटर के जरिए चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मैं आयोग के गैर लोकतांत्रिक और असंवैधानिक फैसले के विरोध में धरना करूंगी। उन्होंने कहा कि वो कोलकाता के गांधी मूर्ति के सामने 12 बजे से धरना करेंगी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में बढ़ेंगे कोरोना बेड, कोविड हॉस्पिटल में तब्दील होंगे कई सरकारी प्राइवेट अस्पताल। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार सुबह दिल्ली सचिवालय में अफसरों के साथ आपात बैठक की। इस बैठक में उन्होंने दिल्ली के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में कोविड बेड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में दिल्ली के कई सरकारी निजी अस्पतालों को फिर से पूरी तरह से कोविड अस्पताल बनाने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही केंद्र सरकार के अस्पतालों में भी कोविड बेड बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार संपर्क करेगी। मुख्यमंत्री ने दिल्ली के लोगों से अपील की है कि वह कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, बहुत जरूरी होने पर ही अस्पताल जाएं और पात्र लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नोबेल प्राइज विजेता अभिजीत बनर्जी बोले, सरकारी मदद से आलसी या कामचोर नहीं बनते हैं गरीब। जी हां दोस्तों, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जाने माने अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने गरीबों को मिलने वाली मुफ्त सरकारी सहायता सीमित करने की विचारधारा की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि सरकारी मदद गरीबों को कामचोर बनाती है। अभिजीत बनर्जी ने कहा कि पिछले दशक और उससे पहले एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका में विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं पर उन्होंने जो अध्ययन किए, उनमें कहीं भी ऐसा नहीं दिखा कि सरकारी मदद लोगों को आलसी या कामचोर बनाती है।
बल्कि अध्ययन में उल्टे यह देखने में आया है कि जो लोग सार्वजनिक और गैर सरकारी सहायता से लाभान्वित हुए हैं और जहां उन्हें मुफ्त में संपत्ति दी गई, वहां वास्तव में वे अधिक उत्पादक और रचनात्मक हुए हैं। लघु वित्त बैंक बंधन बैंक के 20वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए उन्होंने रविवार को कहा कि इस बात को लेकर कहीं कोई आंकड़ा और व्यवहारिक सबूत नहीं है जिससे ये स्थापित हो सके कि गरीबों को मुफ्त में संपत्ति मिलने से वे कामचोर बनते हैं। अभिजीत बनर्जी ने कहा कि इस विचारधारा के आधार पर विभिन्न सरकारें गरीबों को कम सहायता उपलब्ध कराती रही हैं ताकि वे आलसी नहीं बने, लेकिन हमें भारत समेत कहीं भी इस बात का सबूत नहीं मिला है, बल्कि इसके उलट हमें हर जगह इस प्रकार की नीति से सुधार ही देखने को मिला है। आगे उन्होंने कहा कि भारत में मनमोहन सिंह द्वारा रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन और अन्य ठोस कदमों से 5 साल में ही 1 करोड़ से अधिक आबादी को गरीबी की दलदल से बाहर निकाला जा सका। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में फिर हुआ कोरोना बेलगाम, 24 घंटे में सामने आए 11,491 नए केस, 72 लोगों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर के आंकड़े हर रोज नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के आंकड़े केजरीवाल सरकार को परेशान करने वाले हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना के 11,491 नए मामले सामने आए और 72 लोगों की मौत हुई है। यह आंकड़ा राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण के एक दिन में आए अब तक के सबसे अधिक मामले हैं। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब 38,095 हो गई है। दिल्ली में इस साल इससे पहले एक दिन में सबसे अधिक मामला रविवार को ही आया था, जिसमें 10,732 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। शनिवार को भी राजधानी में 7,897 नए मामले सामने आए थे और 39 लोगों की मौत हुई थी। अब दिल्ली में कुल संक्रमितों की संख्या 7,36,688 हो गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सोनिया गांधी ने लिखा पीएम नरेंद्र मोदी को खत, जरूरत के हिसाब से हो टीकाकरण और गरीबों को हर महीने मिले 6,000 रुपए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि उम्र की बजाय जरूरत के हिसाब से टीकाकरण का विस्तार किया जाए, राज्यों में संक्रमण की स्थिति के मुताबिक टीके उपलब्ध कराए जाए तथा दूसरी कंपनियों के टीकों को आपात स्थिति में उपयोग की अनुमति प्रदान की जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में यह भी कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए उठाए जा रहे सख्त कदमों के मद्देनजर गरीबों को 6,000 रुपए की मासिक मदद मुहैया कराई जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि संक्रमण की स्थिति को देखते हुए नाइट कर्फ्यू जैसे सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसे में गरीब एवं कमजोर तबके के लोगों को 6,000 रुपए की मासिक आर्थिक मदद की जाए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रशियन वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अहम फैसला। जी हां दोस्तों, बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच वैक्सीन की कमी होने की खबरों ने आम जनता की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में सरकार अब वैक्सीन के उत्पादन को कई गुना बढ़ाने के लिए एकजुट हो गई है। सरकार ने रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को इमरजेंसी प्रयोग के लिए मंजूरी दे दी है। वहीं इस वर्ष सितंबर के अंत तक भारत को 4 अन्य निर्माताओं से कोरोना वैक्सीन मिलने की उम्मीद भी है। फिलहाल भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन का निर्माण हो रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रवासी मजदूरों को मुंबई फिर पराई लगने लगी, लॉकडाउन के डर से पलायन शुरू। जी हां दोस्तों, मुंबई से एक बार फिर पलायन शुरू हो गया है। लॉकडाउन की आशंका से प्रवासी मजदूर मुंबई छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ने के कारण सेमी लॉकडाउन के बाद अब पूर्ण लॉकडाउन के डर से मुंबई से बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। कुर्ला में लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर भारी भीड़ बढ़ने लगी है। इस भीड़ में ज्यादातर मजदूर वर्ग के लोग हैं जिनका काम धंधा बंद हो चुका है। उनका कहना है कि यहां भूखों मरने की नौबत आ गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बांग्लादेश में लगेगा पूर्ण लॉकडाउन, सरकारी ऑफिस भी रहेंगे बंद। जी हां दोस्तों, तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच दुनिया के कई देश एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। कोविड-19 मामलों में तेजी के चलते बांग्लादेश सरकार ने पूरे देश में कंप्लीट लॉकडाउन के लिए नए सिरे से निर्देश जारी कर दिए हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार कैबिनेट डिवीजन ने सोमवार को निर्देश जारी किए कि लॉकडाउन 21 अप्रैल की आधी रात से बुधवार शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।
निर्देशों के अनुसार सभी सरकारी सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस और प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे, लेकिन एयरपोर्ट बंदरगाह और उसके ऑफिस पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में भूटान ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, मात्र 16 दिन में 93% अडल्ट्स को लगाया टीका। जी हां दोस्तों, कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में नया रिकॉर्ड बनाते हुए भारत के पड़ोसी देश भूटान ने इजराइल, अमेरिका जैसे कई देशों को पीछे छोड़ दिया है। देश के महज 16 दिनों के भीतर 93% वयस्कों को कोविड-19 वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत के पहले दिन से लेकर अब तक टीकाकरण का ग्राफ हर दिन ऊपर की ओर ही बढ़ रहा है। इसी का नतीजा है कि जिन आंकड़ों को छूने के लिए अन्य देशों को महीनों लगे, उसे भूटान ने मात्र 16 दिन में ही पार कर लिया। आलम यह है कि जहां कुछ देश कोरोना के दोबारा बढ़ते संक्रमण के कारण वैक्सीनेशन प्रक्रिया तेज करने की बात कर रहे हैं, वहीं भूटान ने टीकाकरण अभियान लगभग पूरा होने की कगार पर है, जो महज 16 दिन पहले शुरू हुआ था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नाइट कर्फ्यू और आंशिक लॉकडाउन से बड़ी व्यापारियों की परेशानी, पीएम नरेंद्र मोदी से की गुजारिश। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार तेजी देखी जा रही है। कोरोना पर काबू पाने के लिए कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और आंशिक लॉकडाउन समेत अन्य कड़े कदम उठाए गए हैं। इसी का असर व्यापारियों के रिटेल और थोक कारोबार पर पड़ा है और उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। यह बात केट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कही है। खुदरा कारोबार करने वाले व्यापारियों के संगठन केट के सेक्रेटरी जनरल प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि नाइट कर्फ्यू और पार्शियल लॉकडाउन की वजह से देश में व्यापारियों के रिटेल कारोबार में पिछले एक हफ्ते में 30% तक नुकसान हुआ है, जबकि थोक बाजार में व्यापारियों को नुकसान 15-20% तक हुआ है। प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि हमने देश भर के 8,000 व्यापारी संघों के नेताओं और व्यापारियों का सर्वे किया है। देश के अधिकतर व्यापारी संगठन नाइट कर्फ्यू या किसी भी तरह के लॉकडाउन के खिलाफ हैं। नाइट कर्फ्यू लगाने से कोरोना वायरस कैसे रुकेगा? हमने अपने सर्वे के नतीजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई महत्वपूर्ण मंत्रियों को भेज दिए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चाइना के वरिष्ठ डॉक्टर का कबूलनामा, कहा चीनी कोरोना वैक्सीन है कम असरदार। जी हां दोस्तों, चीन के सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर ने शनिवार को अपने एक भाषण के दौरान माना कि देश की कोरोना वैक्सीन कम असरदार है। उन्होंने कहा कि चीन के टीकों में बचाव दर बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए सरकार इन्हें और अधिक प्रभावी बनाने पर विचार कर रही है। गाओ का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब चीन ने अन्य देशों को टीकों की करोड़ों खुराक दी है और पश्चिमी देशों के टीकों के प्रभावी होने पर संदेह पैदा करने और बढ़ावा देने की भी वह लगातार कोशिश कर रहा है। गाओ ने आगे कहा कि अब इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि क्या हमें टीकाकरण प्रक्रिया के लिए अलग अलग टीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। फ्लिपकार्ट और अडानी ग्रुप के बीच बड़ा करार, 2500 लोगों को मिलेगा रोजगार। जी हां दोस्तों, देश की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपने लॉजिस्टिक और डेटा सेंटर क्षमताओं को मजबूत करने के लिए अडानी ग्रुप के साथ हाथ मिलाया है। इससे करीब 2500 बच्चों को डायरेक्ट रोजगार मिल सकेगा। कंपनी ने एक बयान में कहा कि इस दो तरफा साझेदारी के तहत फ्लिपकार्ट अडानी पोर्ट्स लिमिटेड एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड की पूर्ण सब्सिडरी सहायक कंपनी अडानी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर काम करेगी, ताकि सप्लाई चेन के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सके और ग्राहकों को तेजी से सेवाएं मुहैया कराई जा सके। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। शेयर बाजार पर कोरोना अटैक, सेंसेक्स 1700 अंक टूटा, निफ्टी भी 15000 के नीचे फिसल कर बंद। जी हां दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण आज बाजार औंधे मुंह गिर गया। आज भारतीय शेयर बाजारों की शुरुआत ही बड़ी गिरावट के साथ हुई थी, जो समय के साथ बढ़ती गई। अंत में सेंसेक्स 1708 अंक टूटकर 48000 के नीचे 47883 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में 524 अंकों की गिरावट आई है और ये 14311 पर बंद हुए। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम अपडेट्स का। तो दोस्तों इन जगहों पर अगले 5 दिन हो सकती है भारी बारिश, जान ले मौसम विभाग का अलर्ट। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग 12 अप्रैल को देश के कई हिस्सों में अगले 5 दिनों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक दक्षिणी प्रायद्वीप में साइक्लोन उठने के चलते देश के दक्षिण पश्चिम हिस्सों में अगले 5 दिनों के दौरान आंधी और बिजली चमकने के साथ ही बूंदाबांदी से लेकर तेज बारिश तक हो सकती है। इस दौरान 30 से
40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सेवाएं चलने की संभावना है। आईएमडी ने कहा है कि 14 से 16 अप्रैल के दौरान तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्से एवं तटीय इलाकों, केरल, माहे और कर्नाटक के तटीय व दक्षिणी सुदूर इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और इसके आसपास के क्षेत्रों में भी साइक्लोन उठने की संभावना है। इसके चलते मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्रों और उड़ीसा में अगले 4-5 दिनों के दौरान, जबकि झारखंड में अगले 24 घंटों के भीतर आंधी और बिजली चमकने के साथ ही छिटपुट बारिश का भी अनुमान है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लगातार 13वें दिन राहत, पेट्रोल डीजल के दाम में नहीं कोई बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, आज लगातार 13वें दिन जब पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बदले। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल $63 प्रति बैरल पर स्थिर है। इससे उम्मीद जागने लगी है कि देश में पेट्रोल डीजल के दाम घट सकते हैं। अप्रैल से पहले मार्च के महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 बार कटौती हुई थी। आपको बता दें दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में आखिरी बार बदलाव 30 मार्च 2021 को हुआ था। तब दिल्ली में पेट्रोल 22 पैसे और डीजल 23 पैसे सस्ता हुआ था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के गोल्ड और सिल्वर के प्राइस। जी हां दोस्तों, भारतीय बाजार में सोने की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद भी दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने के भाव 46,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपर बरकरार रहे। चांदी के दाम में भी आज कमी दिखी है। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 46,127 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं चांदी 66,313 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी आज गोल्ड की कीमत में कमी दर्ज की गई, जबकि चांदी के भाव में खास बदलाव नहीं हुआ है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सुनील चंद्रा होंगे देश के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 13 अप्रैल को संभालेंगे पदभार। जी हां दोस्तों, भारत के अगले चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा होंगे। सरकार की ओर से भी सुशील चंद्रा के नाम पर मुहर लगा दी गई है। चंद्रा 13 अप्रैल यानी मंगलवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभालेंगे। इस संबंध में आदेश जारी हो गए हैं। जी हां दोस्तों, भारत के अगले चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा होंगे। सरकार की ओर से भी सुशील चंद्रा के नाम पर मुहर लगा दी गई है। चंद्रा 13 अप्रैल यानी के मंगलवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभालेंगे। इस संबंध में आदेश जारी हो गए हैं। आपको बता दें दोस्तों, इससे पहले सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त पद की जिम्मेदारी निभा रहे थे। अब सुनील चंद्रा की इस पर तैनाती होगी। उनका यह कार्यकाल 13 मई 2022 तक रहेगा। निर्वाचन आयोग में कार्यकाल संभालने से पूर्व चंद्रा CBDT के अध्यक्ष थे। मालूम हो कि सुनील चंद्रा की अगुवाई में निर्वाचन आयोग मणिपुर, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और यूपी में विधानसभा चुनाव कराएगा। इन राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल मार्च में अलग अलग तारीख पर पूरा हो रहा है। जैसे यूपी विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 14 मई को पूरा हो रहा है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों, आज का सवाल है, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।